मॉडर्न स्कूल है, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, कॉमर्शियल कम्प्लेक्स है, जीवा का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, उन सब के बीच में रिवाजपुर गाँव आता है। इस रिवाजपुर गाँव में जो कूड़ा घर बनाने का फैसला आज हरियाणा सरकार ने लिया है, हमने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से गुहार लगाई है कि मंत्री जी ये जो कूड़ा घर रिवाजपुर गांव में बनने जा रहा है, इससे आसपास के 16 गांवों के लोगों के लाखों लोगों का जीवन दुश्वार हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, यहाँ पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से पहाड़ी में बसे हुए गुड़गावा के बंधवाड़ी गांव में तो कूड़ा घर बना हुआ है, जब वहां से निकलते हैं तो लोग सांस नहीं ले सकते। आज बंधवाड़ी गांव में 70-80 लोग हार्ट अटैक की बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं, 140-150 के आसपास लोग कैंसर से पीड़ित हैं जो घर के अलखाट पड़ी हैं, और रिश्तेदार भी आते हुए बंधवाड़ी गांव में कतराते हैं। हम नहीं चाहते कि रिवाजपुर और आने वाले आसपास के गांवों में भी इसी तरह से हमारे रिश्तेदार आने में कतराएं, और हम जो सामाजिक समरसता के साथ प्रेम प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं, हम लोग सभी वर्गों के लोग हैं, मवई से लेकर लालपुर तक हम सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं मिलकर। हमारे जो रिवाजपुर गांव सबके बीचों बीच बसा हुआ है, जब तक रिवाजपुर गांव में अगर एक कूड़ा घर बन गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आज माननीय मंत्री जी के पास हम गुहार लगाने के लिए आए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, नौजवान साथी हैं, माता बहने हैं, सबने ये आश्वस्त होकर जा रहे हैं हम कि माननीय मंत्री जी आज हमारे लिए राजा है, आज फरीदाबाद के वो आज हमारे लिए भगवान की भूमिका में है। हमने करबद्ध प्रार्थना की है, हम उनसे पैर पकड़कर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, अर्ज लगाते हैं कि माननीय मंत्री जी हमें हमारे प्राणों की भीख दे दीजिए, हमारा जीवन आप हमें दान में बख्श दीजिए, हमारा जो ये आने वाले समय में हमारी जो जिंदगी दांव पर लग जाएगी, हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, लोगों की उम्र कम हो जाएगी, इस गंदी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आज हम उसके लिए माननीय मंत्री जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग जीत कर जाएंगे, मंत्री जी हमारी बात को मानेंगे, मंत्री जी हमारी मांग पर विचार करेंगे और इस कूड़ा घर को रिवाजपुर से हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और मंत्री जी खुद समझदार है, मोदी जी के साथ बैठते हैं, 45 मंत्रियों में मोदी जी बैठते हैं, मोदी जी को एक एक चीज का पता है, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को एक एक बात का पता है, लेकिन फिर भी हम तो छोटे से आदमी हैं, मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाते हैं, मंत्री जी को हमारी सलाह अच्छी लगे ठीक नहीं हमारी वापस दे देना कि मंत्री जी रिवाजपुर गांव के आसपास तो लाखों लोग रहते हैं, आप इस कूड़ा घर को ऐसी जगह पर ले जाइए जहां पर जमुना जी के किनारे पर जहां 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, और जमुना जी के परली तरफ भी जो उत्तर प्रदेश की तरफ आता है वहां भी हमारे इलाके और क्षेत्र की जमीनें हैं, जमुना जी के परली तरफ भी हमारा रकबा है 1.5 लाख करोड़ का।